पिछले कल पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा था कि मुख्यमंत्री विभेद सिंह के कारण प्रदेश कर्ज के बोझ तले दब गया है। प्रदेश पर पहले ही लगभग 50,000 करोड़ का कर्ज था, अब एक बार फिर से प्रदेश सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए का लोन लेने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा था कि लगभग 1.15 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यों के लिए दिए हैं, फिर भी प्रदेश सरकार जनता पर कर्ज के बोझ को डाल रही है। पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री विभेद सिंह का बचाव करते हुए एक खास मुलाकात में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल 2 बार खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उस समय उन्होंने कोई कर्ज नहीं लिया था या उस समय प्रदेश कर्ज मुक्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को बात वो करनी चाहिए जो खुद न की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स शिलान्यास कार्यक्रम 3 अक्टूबर को तय करवाकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है के प्रश्न के जवाब में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं खेला है। उन्होंने कहा सारे प्रदेशों में एम्स मिले हैं और जहां पर प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं वो भूमि प्रदेश सरकार ने ही चिन्हित करके दी है। सुधीर शर्मा ने कहा कि खुशी की बात है कि प्रदेश को एम्स मिल रहा है, इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार होगा। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने धर्मशाला नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शहरी आजीविका केंद्र का शिलान्यास किया और कहा कि योजनाबद्ध तरीके से धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में विकास हो रहा है। ये सिटी लाइवलीहुड सेंटर है और इसमें लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च होगा और इसके अंदर जितने भी हमारे लोग हैं जिनको स्किल पहले डेवलप किया है शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत, उनके लिए यहाँ पर ये एक कार्यशाला होगी और यहीं से वो सारे जो कॉरपोरेशन का एरिया है उसके लोगों को सर्व कर पाएंगे। इससे जो है कर्ज के बोझ के तले जो है प्रदेश डूब चुका है सर, उसके ऊपर क्या प्रदेश 2 बार वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उस समय कोई कर्ज नहीं लिया था या उस समय प्रदेश कर्ज मुक्त कर दिया था? तो व्यक्ति को बात वो करनी चाहिए कि जो खुद न की हो। शिलान्यास मोदी जी करेंगे सर, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, सारे प्रदेशों को एम्स मिलता है और वो जो जहां पर शिलान्यास कर रहे हैं वो भूमि प्रदेश सरकार ने चिन्हित करके दी है। खुशी की बात है कि प्रदेश को एम्स मिल रहा है, इससे स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार होगा।